ये कहानी चार्ली नाम के आदमी की है। चार्ली अपनी फैमिली को लेके एक गांव में गया था। उसकी फैमिली उससे बार बार पूछ रही थी कि आखिर वो उन्हें कहाँ पे लेके जा रहा है, लेकिन चार्ली उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा था। उसका कहना था कि वो उन्हें कुछ सरप्राइज देना चाहता है। चार्ली अपने फैमिली मेम्बर्स को जिस गाँव में लेके जा रहा था, उधर उसने पहले से ही एक घर खरीद लिया था। चार्ली की फैमिली को लगता है कि यही वो सरप्राइज था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके लिए चार्ली ने कुछ और ही प्लान करके रखा था। चार्ली और उसकी फैमिली उस गांव में काफ़ी दिनों से रह रहे थे। ऐसे ही एक दिन चार्ली अपनी बीवी के पास आता है और वह उसे कुछ बढ़िया सा खाना बनाने के लिए बोलता है। चार्ली का बेटा एक बेंच पे बैठा हुआ था और वो अपनी शॉटगन को साफ कर रहा था। वो शॉटगन चार्ली की ही थी। चार्ली तभी उसके पास आता है। तभी चार्ली उधर आता है और वो अपने बेटे को बाजार से इस बंदूक की और ज़्यादा गोलियां लाने को कहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग शिकार पे जाने वाले थे। तो चार्ली अपनी शॉटगन ले लेता है और उसका बेटा बाजार के लिए निकल जाता है। उसके बेटे के जाने के बाद चार्ली की बेटी अपने आंट के घर से अपने घर पे वापस आती है, लेकिन उसके अगले ही सेकंड चार्ली अपनी बेटी को शूट कर देता है। चार्ली की बेटी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या, और वो वहीं पर तड़प तड़प के मर जाती है। तभी चार्ली अपनी बेटी के लाश के पास आता है उस शॉटगन को लेके, और फिर वो उसको अपनी बेटी के शरीर पे और भी ज़्यादा बार फायर करता है, जैसे कि वो कन्फर्म कर रहा हो कि उसकी बेटी मर गई है। शॉटगन की आवाज़ सुन के उसकी बीवी भी घर से बाहर आ जाती है। तभी चार्ली अपनी शॉटगन लेके अपनी बीवी के पास जाने लगता है। उसे लगता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी की लाश को देखती है वो वहां से भागने लगती है, लेकिन चार्ली भी अपनी बीवी के पीछे भाग के उसे शूट कर देता है। उसके बाद वो अपने घर में जाता है जहाँ पे उसकी सबसे छोटी बेटी थी, और वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। उसे भी लगता है कि चार्ली उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन तभी चार्ली उसके मुंह पे ही गन को फायर कर देता है और उसकी सबसे छोटी बेटी ऑन द स्पॉट मर जाती है। उसके बाद चार्ली को अपने सबसे छोटे बेटे की आवाज़ आती है जो कि लिविंग रूम में था। वो जल्दी से लिविंग रूम में जाता है। उसका सबसे छोटा बेटा काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, और तभी चार्ली उसके पास आता है और उसके मुंह पे भी गन को फायर कर देता है। थोड़ी देर पहले चार्ली अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहा था, और उसके अगले ही सेकंड उसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया सिवाय अपने सबसे बड़े बेटे को छोड़ के। उसके बाद चार्ली उन सभी लाशों के सर के नीचे एक पत्थर को रख देता है। ऐसा वो सभी लाशों के साथ करता है, और उसके बाद वो कहीं पे तो भाग जाता है। गनशॉट की आवाज़ सुन के नेबरहुड के कुछ लोग वहाँ पे आते हैं, और वो लोग भी उस नज़ारे को देख के दंग रह गए थे। उन सबको समझ ही नहीं आया कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि कुछ देर पहले तो ये सभी लोग जिंदा थे। तभी चार्ली का सबसे बड़ा बेटा वहाँ पे आ जाता है, लेकिन वो जैसे ही अपने घर पे पहुँचता है वो अपने फैमिली मेम्बर्स की लाश देख के दंग रह जाता है। अपने भाई बहनों और अपनी माँ की लाश को देख के वो उस समय एक शॉक में चला जाता है। नेबरहुड के सभी लोग जल्दी से पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस वहां पे आती है और उन्हें झाड़ियों में से चार्ली की भी डेड बॉडी मिलती है। उसकी शॉटगन पे सिर्फ चार्ली के ही फिंगरप्रिंट्स के निशान थे, जिससे ये कन्फर्म हो जाता है कि उसने ही अपनी पूरी फैमिली को मारा सिवाय अपने सबसे बड़े बेटे को छोड़ के। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, और उसने अपने बड़े बेटे को क्यों नहीं मारा? ये सब तो उसकी मौत के साथ ही दफन हो गया, लेकिन इस घटना से चार्ली का सबसे बड़ा बेटा मेंटली डिस्टर्ब हो गया। वो इस बात को तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसके खुद के बाप ने अपने खुद की फैमिली को मार दिया। लेकिन शायद ये बात किसी को पता चल भी नहीं पाएगी कि आखिर चार्ली ने ऐसा क्यों किया। ये कहानी रॉनी नाम के लड़के की है। रॉनी एक होमलेस लड़का था। उसकी कोई फैमिली नहीं थी। वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था आसपास मजदूरी करके। अपनी जिंदगी से वो तंग आ चुका था, और उसे कहीं से तो ड्रग्स मिल गए थे जिन्हें वो हमेशा ही लेता रहता था। ड्रग्स की वजह से उसकी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा था, और वो पैसे भी नहीं कमा पा रहा था। लेकिन अब रॉनी को समझ में आ गया था कि अगर उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो फिर उसे ड्रग्स छोड़नी होगी। वो किसी तरह पैसे का जुगाड़ करता है, और उसके बाद वो एक दूसरे शहर में चला जाता है अपनी पिछली संगति से दूर। वहाँ पर वो कुछ दिन के लिए काम करता है, और उधर उसको थोड़े से पैसे मिल जाते हैं, उससे वो एक घर रेंट कर लेता है। लेकिन अभी भी उसकी हालत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी, क्योंकि उसको अभी भी काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। उस घर में तीन फ्लोर थे। सबसे नीचे वाले घर में उस घर का मालिक रहता था, दूसरे फ्लोर पर कुछ ऐसे ही लोग रहते थे, और तीसरे पर रॉनी रहता था। वो एरिया भी कुछ खास अच्छा नहीं था। उसके आसपास काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती थी, लेकिन रॉनी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दूसरी जगह एक घर रेंट पे ले सके, तो इसलिए उसने यही घर चूज़ किया। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए। उसने अपना रेंट पे तो कर दिया था, लेकिन अगले महीने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं बचे थे, और रॉनी की इतनी अर्निंग भी नहीं थी कि वो अगले महीने का रेंट दे सके। उसके पास थोड़े बहुत पैसे थे, लेकिन वो उसकी बेसिक नीड्स के लिए थे।
वो किसी तरह थोड़े दिन और काम चला लेता है, लेकिन उसके बाद उसके बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस हो जाता है। जब रॉनी को इस बारे में पता चला तब वो काफी जरा टेंशन में आ गया। वो सोचने लगा कि अब वो आखिर इस घर का रेंट कैसे दे पाएगा, क्योंकि अब रॉनी के पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। और उसकी टेंशन बढ़ाने के लिए वहां पे उसका लैंडलॉर्ड भी आ जाता है। जब वो रॉनी से रेंट मांगता है तब रॉनी कहता है कि उसके पास सारे पैसे खत्म हो गए हैं। लेकिन ये सुनते ही उसका लैंडलॉर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो रॉनी से कहता है कि उसे पता है कि वो झूठ बोल रहा है। ये सुनकर रॉनी उसको अपना बैंक बैलेंस दिखा देता है, लेकिन उसके बाद उसका लैंडलॉर्ड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रॉनी उससे कहता है कि वो जल्द से जल्द उसका रेंट क्लियर कर देगा, लेकिन लैंडलॉर्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आंखों में खून भरा आया हो। लेकिन उसके बाद वो वहां से चला जाता है। रॉनी अपने रूम में जाता है अपना बैग देखने के लिए, और वो उसमें ये चेक करता है कि उसके पास थोड़े से पैसे है भी या फिर नहीं। तभी वहां पे दो लड़के आते हैं जो कि नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे, लेकिन वो जैसे ही रॉनी के हाथ में उसका बैग देखते हैं उन्हें लगता है कि रॉनी वहां से भाग रहा है। रॉनी उन्हें बताता है कि वो रेंट पे नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास थोड़े से भी पैसे नहीं है, और वो उन्हें अपना बैंक बैलेंस भी शो कर देता है। लेकिन तभी वहां पे लैंडलॉर्ड भी आ जाता है और वो रॉनी का गला दबाने लगता है। वो उस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था और वो काफी तेज तेज रॉनी का गला दबा रहा था। रॉनी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वो बार बार एक ही चीज कह रहा था कि मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पे थोड़े से भी पैसे नहीं है। लेकिन लैंडलॉर्ड कहता है कि रॉनी झूठ बोल रहा है क्योंकि वो रेंट नहीं देना चाहता, और ये कहकर वो उसके मुंह पे बहुत ही तेज तेज से पंच मारने लगता है। वो रॉनी के मुंह पे इतने तेज तेज पंच मारता है कि उसकी नाक की हड्डी टूट जाती है और साथ में उसके काफी सारी हड्डियां टूट जाती है। रॉनी को बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था क्योंकि लैंडलॉर्ड उससे काफी ज्यादा ताकतवर था। तभी लैंडलॉर्ड बाकी के दो लड़कों को भी वहां पे बुलाता है और उनसे रॉनी के मुंह पे पंच मरवाता है। उसके बाद वो रॉनी को बाहर लेके चला जाता है, और फिर उसके बाद वो रॉनी को वहीं पे पीटने भी लगा। उसके बाद वो रॉनी को एक जगह पे लेटा के उसके मुंह पे बहुत ही तेज तेज से फिर से पंच मारने लगता है, और वो इस दौरान सिर्फ एक ही चीज कह रहा था कि उसे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। और उसे पता है कि रॉनी के बैंक में काफी पैसे हैं, लेकिन वो उसे पैसे दे नहीं रहा। रॉनी फिर से उसे अपना बैंक बैलेंस दिखाता है, लेकिन वो इस बार और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो रॉनी को उसी समय बहुत ही बेरहमी से वहीं पे मार देता है। ये सब चिल्लाने की आवाजें सुनके नेबर वाले भी वहां पे आ जाते हैं और वो लोग पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस उस लैंडलॉर्ड को अरेस्ट कर देती है, और तब पता चलता है कि उसने पहले भी 6 लोगों का मर्डर किया है। उसके घर पे जितने भी लोग रेंट पे रहने के लिए आए उसने उन सभी को मार दिया। जब उस लैंडलॉर्ड के पड़ोसियों से बात की गई तब उन्होंने कहा कि उन्हें वो लैंडलॉर्ड एक मेंटली इल पर्सन लगता है, और उनके हिसाब से वो लैंडलॉर्ड एक साइकोपैथ है। हम सभी को ऑनलाइन काफी सारी चीजें मिल जाती है, इवन लोग तो अब घर भी ऑनलाइन ही लेते हैं। लेकिन कभी कभार ऑनलाइन भी चीजें काफी ज्यादा रिस्की हो जाती हैं, और कोई कुछ नहीं कह सकता कि कब आपका सामना एक साइकोपैथ से हो जाए।